धारावी के मामले में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? धारावी अगर आप देखा जाए तो महाराष्ट्र ने देश के कई बड़े शहरों को मिला के धारावी इतनी बड़ी बनती है। इतनी बड़ी धारावी, इतना बड़ी जनसंख्या वाली, और उसमें से जो केसेस आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से पहले दिन से जो आए थे अब उससे थोड़ी ना थोड़ी कम होते जा रही है। वहाँ पे अच्छे तरीके से क्वारंटाइन किया गया है लोगों को, वहाँ पे जो है सही तरीके से कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहाँ पे मॉनिटरिंग सही चल रही है, घर घर जाँच अच्छी चल रही है। अब ये इस फेस के अंदर थोड़े पेशेंट्स तो आनी थी करके तो इतनी तैयारी की गई है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के जो हमारी डॉक्टर की टीम है इसको कंट्रोल ले जाएगी। देखिएगा आप आने वाले 30 तारीख के अंदर इसके अंदर जो है काफ़ी जो संख्या है वो कम होती चली जाएगी। पहला मामला धारावी में जब आया था तो उसमें तबलीगी जमात के व्यक्ति को मौत भी हुई है, उसको सामने भी हो गया है, तो क्या तबलीगी जमात इसके लिए थोड़ी बहुत आपको दिखता है कहीं ना कहीं उनका जिम्मेदारी नज़र आती है? देखिए तबलीगी जमात से तो गलती हुई है, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर इतने लोग मरे हैं तो सब तबलीग की वजह से मरे हैं ये कहना भी गलत है। मीडिया ने इतनी हल्की बातें नहीं चलाना चाहिए। ये जो ये आया है रुग्ण जो आया है, ये जो बीमारी आई है, ये कोई हिंदुस्तान से नहीं आई है, ये बाहर से आई है, सबको पता है। चाइना से निकली थी, चाइना से निकलते जो है पूरे दुनिया में पहुंची है। और अभी किसी जमात को या किसी इसको इल्ज़ाम लगाना ये ठीक नहीं है। और जो मौतें हुई हैं वो मौतें भी ज़्यादा जो हुई हैं, आप देखिए कि जिनकी उम्र 50 से लेकर 80 थी उसमें जो है 70-75% से ज़्यादा लोग जो है इसमें मरे हैं। और मेरे ख्याल से इसके ऊपर इलाज के बारे में सोचना चाहिए, इसके वजह से आई, उसके वजह से आई, इसका कमी हुआ, ये सब नहीं बोलना चाहिए। ऐसा देखने जाएंगे तो बहुत सी बातें निकलेंगी। आखिरी सवाल, धारावी के लिए प्लान क्या है सरकार का? धारावी के लिए हमने इतनी बड़ी फोर्स वहाँ लगा के रखी, डॉक्टर्स की टीम लगा के रहती, महानगर पालिका के कई कर्मचारी घर घर जाके जो है लोगों को तपास रहे, उनकी ये रह रहे, और वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चालू है, लोगों को घर में राशन देने का काम चालू है। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी फोर्स लगाने के बाद अगर आप देखेंगे लाखों की संख्या में जहाँ लोग एकदम एक दूसरे से सट के रहते हैं, जहाँ पर एक ही कॉमन टॉयलेट यूज़ होता है, उसमें जो है 25-30 आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि 6-7-8 लाख की आबादी के अंदर अगर इतने बड़े तादाद के अंदर से थोड़ी बहुत पेशेंट आते हैं उसके लिए सरकार तैयार है और हम उसे नियंत्रण में ले आएंगे।